आपका, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशवाश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। जी तो आज हम जा रहे हैं बच्चों को लेके बाहर। आसिम की आज छुट्टी थी तो बच्चे कहते उन्हें जाना है बाहर कहीं घूमने के लिए, तो धूप भी आज बहुत अच्छी निकली हुई है, तो हम सब जा रहे हैं कहीं किसी पार्क में, देखते हैं कौन से पार्क में जाते हैं। और इसके अलावा हमारी जो LED है, TV था हमारा, वो ख़राब हो गया है, LED ख़राब हो गई है, तो आसिम लेके गए थे उसको चेक करवाने, तो वो उन्होंने कहा कि इसका पैनल ही ख़राब हो गया है, तो जल गया है, तो अब वो जा रहे हैं, वो रिप्लेस होगी आई थिंक, है ना आसिम? हाँ वो रिप्लेस होगी, तो वो हम देने जा रहे हैं। तो बस सब है, बच्चे भी हैं सारे, और आंटी आप भी हाय कर दे। हाय। तो आज आंटी भी है साथ हमारे, बच्चों की दादो। तो बस फिर देखते हैं कहाँ चलते हैं, फिर आपको भी लेके चलते हैं साथ साथ। हम अभी जा रहे हैं अपनी LED की कुछ चीज़ें थी हमारे पास, वो सबमिट करवाने हैं उनको हायर के, हायर के रियान क्या है वो कहाँ जा रहे हैं, हायर के ऑफिस, हायर के शोरूम। अभी हम कहाँ जा रहे हैं, हम बैग करके जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं पहले बताएं। अच्छा, हमारी जो LED है हायर की थी, तकरीबन उसे लिए हमें 5 years हो गए, और अभिष के आने से पहले अभिष माशाल्लाह 3 years की होने वाली है, और 3 years की हो गई है, और उसको लिए हुए हमें तकरीबन 4 years हो गया था, 4-5 years हो गए हैं। तो उसको वो अच्छी खासी चल रही थी, हम लोग रात को देख रहे थे ड्रामा, और देखते देखते ही वो ना उसमें कुछ इशू आने लगे एकदम से, और वो बंद हो गई। तो फिर हम लोगों ने उस वक्त, उसके बाद हमने उसको ट्राई नहीं किया ऑन करने की, और एक दो दफ़ा ट्राई किया था लेकिन वो नहीं चली, फिर हमने छोड़ दिया। तो फिर आज हम लेके गए हायर के शोरूम, तो उन्होंने कहा कि हमारी कोई ऐसा उनकी पॉलिसी है कि 3 years के बाद अगर पैनल जल जाए तो फिर वो 50% लेके ना 50% देते हैं, नहीं लेते हैं अल्लाह जाने। तो और उसके बाद वो जो हायर किया सेम हमारा 55 inches की थी, तो वो हमें सेम उसमें ही 55 inches में ही हमें लेटेस्ट मॉडल देंगे। हमारे पास मिली थी सारी चीज़ें जो क्या आते हैं, वो जो होते हैं मुझे नाम ही नहीं एक तो याद आता, तो वो बस ब्रैकेट्स वगैरह जो थे ना वो हमने उनको वापस करने हैं, और वहाँ से LED तो वापस करें, लेकिन वो ब्रैकेट्स और रिमोट रह गया था, तो वो अब हम वापस करेंगे, और जो हमने उनको 50% देना वो हम सबमिट करवा देंगे। तो वो कह रहे थे 1 week में वो उनको कंपनी वो देगी भेजेगी, तो हम वो ना पैक मिल जाएगी, जो न्यू मॉडल लेटेस्ट मॉडल जो है ना 55 inches में हायर का हमें वो मिल जाएगा, तो होपफुली इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा ऐसे ही होगा। तो बस अब हम वो जाएंगे, अभी आसिम ATM पे रुके हैं वैसे निकलवाने के लिए, फिर उसके बाद हम हायर की शोरूम जाएंगे। अरे क्या कर लिए आप, गाड़ी चला रहे हैं। अच्छा जी, तो पहुंच गए हम हायर के सर्विस सेंटर, और आसिम गए हुए हैं अंदर चीज़ें जो रहती थी हमारे पास सबमिट करवाने, और जो पेमेंट हमने हाफ करनी थी वो करने। इसके बाद हम बच्चों को लेके जाएंगे पार्क, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ कौन सा पार्क जाना है, पर अभी आसिम जो पेमेंट करके आएंगे तो फिर हम डिसाइड करेंगे, और फिर हम सीधा जाएंगे पार्क। आसिम के आ जाने के बाद और बच्चों से पूछने के बाद हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि हम लोग सुखचैन पार्क जाएंगे, और सुखचैन पार्क हम लोग आ गए, और सुखचैन पार्क हम फर्स्ट टाइम आए थे, हम इससे पहले जब भी निकले थे तो बच्चों को हमेशा जापनीज पार्क लेके गए हैं, 4 से 5 दफ़ा हम लोग जा चुके हैं जापनीज पार्क भी, वहाँ पे भी बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया था, पर हम चाह रहे थे कुछ चेंज हो जाए, तो इसलिए हम लोग इस दफ़ा आए हैं सुखचैन पार्क। और बच्चों ने कहा था कि F9 पार्क भी ट्राई करके देख लें मामा और पापा, लेकिन ज़्यादा वोट इस साइड पर आ रहे थे कि सुखचैन पार्क जाके देखते हैं, एक तो ये नज़दीक भी था, तो बस हमने कहा चलो आज इस दफ़ा हम लोग सुखचैन चले जाते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर F9 पार्क भी देखेंगे। तो अच्छा रहा एक्सपीरियंस, और मौसम भी आज अच्छा था, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं थी। हम लोग यहाँ पे एंट्रेंस पे खड़े हो गए थे, आसिम हमें यहाँ खड़ा करके चले गए थे मकई लेने के लिए, अब्रिश की फरमाइश थी कि मुझे छली खानी है, छली मिली नहीं थी तो वो मकई ले आए थे, तो बस हम यहाँ पे वेट कर रहे थे, मौसम बहुत प्यारा हो रहा था, सर्दी तो थी लेकिन पार्क में आने के बाद जब बच्चे खेलने लगे तो
महसूस ही नहीं हुई। तो बस बच्चे एंटर हुए, फर्स्ट टाइम आए यहाँ पे, काफ़ी बच्चों का के लिए बहुत अच्छी स्विंग्स थी और एक्सरसाइज के लिए बहुत अच्छा, एक तो ट्रैक भी था और इसके अलावा एक्सरसाइज के लिए काफ़ी सारा काफ़ी कुछ था यहाँ पर, तो बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, इवन कि हम सब ने भी। सुखचंद पार्क बहुत बड़ा है और यहाँ पे काफ़ी कुछ है बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी, फुटबॉल भी यहाँ पे खेल रहे हैं कुछ और लोग, और यहाँ पर बास्केटबॉल भी खेली जा रही है, और यहाँ पे बच्चों के लिए प्ले एरिया है, हमारे बच्चों को समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ से स्टार्ट करें, तो सारे इकट्ठा होकर एक जगह खड़े हो गए। तो बस यहाँ पे देखेंगे फैमिली से किस तरह, अंकल आंटी काफ़ी लोग थे जो यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे थे, और हमारे बच्चे भी आके स्टार्ट हो गए, और बस हम लोग भी, मैं और आंटी एक साइड पे बस बैठ गए थे, और अभिष की पूरी कोशिश थी कि वो अकेले किसी तरीके से ना इधर उधर हो जाए, और हम लोग उसको बस मैं समझा रही थी कि बेटा नहीं, एक जगह पे बैठ जाएं या सबके साथ ईमान कश्यप के साथ खेलें। फिर आसिम उसको लेके अलग हो गए, ये कही थी मैंने स्लाइड लेनी है, तो फिर आसिम लेके से ऑपोजिट साइड पर चले गए थे स्लाइड दिलाने के लिए, और मैं बच्चों के साथ यहाँ पे बैठ गई थी, और आसिम पे यहाँ उनके अभिष को स्लाइड लाने के बाद आए, और उन्होंने रैयान ईमान कश्यप की रेस करवाई, क्योंकि बच्चे समझ ही नहीं पा रहे थे हम कहाँ से स्टार्ट करें क्या करें, तो फिर यही था कि बच्चों को कहीं खुद बा खुद तो समझ आता नहीं है, तो इनको बिजी करना पड़ता है। आंटी मेरे साथ ही बैठी थी, एक स्विंग था हम लोग उसके ऊपर बैठ गए थे, और रैयान ने ये रेस विन की थी, रैयान फर्स्ट आया था और जो कश्यप है वो सेकेंड आई थी, ईमान जो थी वो आराम आराम से आ रही थी, वो थक चुकी थी, तो इस तरह की काफ़ी रेसेस मैंने बच्चों को यहाँ पे करवाई जी। तो बच्चे करे हैं एंजॉय पार्क में, और तो मैंने सोचा हम लोग, मैं और आंटी बैठे हुए थे साथ, तो मैंने सोचा मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँ अपनी मदर इन लॉ से। ये है मेरी मदर इन लॉ, ये लाहौर से आई है मेरी तरफ रहने के लिए। अच्छा ले, तो बस हम इनको लेके आए हैं पार्क में, काफ़ी दिनों के बाद आई थी हमारे पास, तो हाँ इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियोस में जब तक ये हैं मेरे पास तो आपको ये मिलेंगी मेरे साथ ही इंशाल्लाह जी। तो ये थी मेरी मदर इन लॉ, और ये लाहौर से आई हुई है मेरी तरफ रहने के लिए, तो बस आइंदा अगली आने वाली वीडियोस में आपको इंशाल्लाह ये मेरे साथ मिलेंगी जी। तो मैंने ईमान रैयान कश्यप को काफ़ी एक्सरसाइज करवा ली थी, और काफ़ी मैंने इनकी रेसेस भी करवा ली थी, तो बस फिर अभिष का था कि उसे ये स्विंग लेने स्लाइड्स लेनी, तो हम इस साइड पर आ गए थे और फिर अभिष को स्विंग पे बिठा दिया था, और ईमान और कश्यप भी स्विंग लेने लगी थी, हमारा खुद का बहुत दिल कर रहा था लेने का मेरा और आंटी का, पर यहाँ पर एज लिमिट थी और ये 5 और 10 लिखा हुआ था 5 to 10, तो फिर हम इसलिए हम ले नहीं सके, और फिर हमने बच्चों को यहाँ से स्विंग दिलाई, अभिष जो थी वो स्विंग से उधर ही नहीं रही थी, फिर हमने उसे ज़बरदस्ती वो उतारा, और फिर उसके बाद हम लोग घर के लिए निकले, तो काफ़ी रात हो चुकी थी, हम सबको भूख लग रही थी, और हमने घर जाके फिर अभी खाना भी खाना था, मैंने रात ही काले चने भिगोए हुए थे, और सुबह अचानक से प्लान बन गया हमारा बाहर जाने का, तो फिर हमने कुछ पकाया ही नहीं घर पे, मैंने पकाया ही नहीं, तो ये सोचा था घर आके पका लूँगी, मुझे अंदाज़ा नहीं था इतनी देर हो जाएगी, तो बस हम यहाँ से फ्री होके घर के लिए निकले, फिर रास्ते में हमारा प्लान बन गया कि हम लोग कहीं बाहर से कुछ खा लेते हैं, तो सबसे पहले हमने पेट्रोल डलवाया, हमारी गाड़ी का पेट्रोल हो गया था बिल्कुल एंड, पेट्रोल डलवाने के बाद हम सब ने डिसाइड किया कि हम क्या खाएंगे, मेरी मदर इन लॉ का दिल कर रहा था फिश खाने का, तो हम लोगों ने सब ने ये डिसाइड किया कि हम फिश ही खाएंगे, तो फिर हम लोग फिश खाने के लिए आए हम सादिकाबाद, हम फर्स्ट टाइम इस मार्केट में आए थे, और इस मार्केट को देखकर विजिट करने के बाद हमें अपनी लाहौर की याद आ गई, क्योंकि यहाँ पर इस टाइम बिल्कुल वैसी ही रौनक थी जैसे हमारे लाहौर में बाजारों में हुआ करती है, तो हमें यहाँ पे एक और एक फिश की शॉप मिली, आई थिंक पता नहीं हाजी ना पता क्या नाम था उसका, मुझे एक तो नाम भूल जाते हैं हमेशा जी, असली जावेद पेशावरी फिश, तवा फिश, तो हमने यहाँ की फ़िश ट्राई की, और वाकई में बहुत मज़े की थी, तो हम सब ने बहुत इंजॉय किया आज, और होपफुली आपने भी इंजॉय किया होगा। तो जनाब आज का व्लॉग करते हैं हम यहीं पर ख़त्म, तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो लगी हो अच्छी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके शेयर करें, फिर मिलेंगे किसी न्यू वीडियो के साथ इसी न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।